आज की क्लास में हम लोग भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने भी राज्य में टाइगर रिजर्व है उसको सारे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये टाइगर रिजर्व जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा ही पूछा जाता है कि ये टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है और ये पहला कौन सा है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप शुरुआत करने से पहले कि आप लोग प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी, देखते हैं क्या क्या। सबसे पहला है कि जोधपुर के निवासी कैलाश सांखला, जिसका नाम क्या है, कैलाश सांखला, उन्होंने उसके नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी के समय आप जाकर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया था। उनके प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू कब किया गया था, ये 1973 में किया गया था। और इसमें किसके सरकार थी वो याद रखिये, इंदिरा गांधी के समय ये शुरुआत किया गया था। और किसने शुरुआत करने की कोशिश किया था, वो है कैलाश सांखला जी। कौन है वो है आप कैलाश सांखला, ठीक है। कैलाश सांखला को टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखेगा, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ये जो कैलाश सांखला आप ये जोधपुर के निवासी थे, जोधपुर राजस्थान के निवासी थे, और इसी को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा आपका टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो कौन सा है, वो याद रखेगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व है। कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो आप जाकर नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व है, ठीक है। और सबसे छोटा भी है कौन सा, याद रखेगा, वो है पेंच बाघ रिजर्व। आप जाके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आप जाके टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो पेंच बाघ रिजर्व, ये आप याद रखिये, कहा है, महाराष्ट्र में है। पेंच बाघ रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है, और श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। नागार्जुन श्री सागर श्रीशैलम जो राग जाके बाघ रिजर्व है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है वो कौन सा आपका जगह बाघ रिजर्व क्षेत्र है, याद रखिएगा, नामदफा। कौन सा है, नामदफा जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है नामदफा आपका जाके विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेड डेटा जो बुक है, एक अंतर्राष्ट्रीय रेड डेटा बुक है जिसमें आपके जाके पशु पक्षी हो गया, पेड़ पौधे हो गया, वो आपका जीव जंतु जितने भी है जो विलुप्त प्राय प्रजाति के है उसको उसमें संग्रहित किया गया है, ठीक है। इसकी जो कल्पना सर्वप्रथम पीटर स्कॉट ने इसकी कल्पना किया था, ठीक है। ये जो रेड डाटा बुक है आपका जाके अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक सर्वप्रथम पीटर स्कॉट ने 1963 में इसकी कल्पना की थी, याद रखियेगा, 1963 में पीटर स्कॉट द्वारा रेड डाटा बुक की कल्पना की गई थी। चलिए देखते हैं कि राज्य में कौन कौन सा आपका जाके टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और कितने कितने है। चलिए पहला है कि कर्नाटक क्षेत्र जो राज्य है आपका जगह कर्नाटक में है, याद रखिएगा, बांदीपुर, नागरहोल, दादेली अंशी, भद्रा, बिलीगिरी और रंगनाथ, याद रखिए कौन कौन सा है, बांदीपुर, नागरहोल, दादेली अंशी आपका कहाँ, कर्नाटक में है। बांदीपुर भी कहाँ है, कर्नाटक में है, और आपका जाके नागरहोल भी आपका जाके कर्नाटक में है, और है भद्रा, ठीक है, भद्रा भी आपका जाके कर्नाटक में स्थित है ये टाइगर रिजर्व। और बिलीगिरी रंगनाथ याद रखिएगा इसको, बिलीगिरी रंगनाथ, ये जो है बिलीगिरी रंगनाथ आपका जाके कर्नाटक में स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। नेक्स्ट जो स्टेट है आपका जाके वो है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पेंच। बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, कान्हा है और पेंच है आपका जाके, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और है पन्ना और संजय डबुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा, टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। और कौन कौन सा, याद रखिये, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, कान्हा है, पेंच है, और आप जाके पन्ना और संजय डबोरी आप जाके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है आप जाके महाराष्ट्र में जाके याद रखिये कौन कौन सा, मेलघाट पेंच सह्याद्री, नवेगांव नगजीरा कहाँ है, नवेगांव नगजीरा याद रखिये महाराष्ट्र में है। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर और
तांडव अंधेरी, तांडव अंधेरी याद रखिए, तांडव अंधेरी आप जाके कहा है महाराष्ट्र में, बोर भी महाराष्ट्र में है, और नवे गांव नगजीरा, नवे गांव नगजीरा आप जाके महाराष्ट्र में है। ये तो याद रखेगा मेलघाट, पेंच और सह्याद्री, याद रखिये पेंच मेलघाट और सह्याद्री, ठीक है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन सा वो देख लेते हैं। राजस्थान में आप जाके रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, पहाड़ी, कौन कौन सा है राजस्थान में आप जाके रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, पहाड़ी आपका राजस्थान में स्थित ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। नेक्स्ट स्टेट है आप जाके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा रहेगा, ठीक है। कौन कौन सा देखिए, इंद्रावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती याद रखेगा, इंद्रावती जो है अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस स्टेट से बिलोंग करता है, वो है आपका जाके छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या क्या है, उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी और अचान कमार, उदंती सीता नदी और अचान कमार आपका जाके कहा है छत्तीसगढ़ में स्थित है, उदंती सीता नदी और अचान कमार ये छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट आपका जाके असम, असम में कौन कौन सा स्थित है याद रखिएगा, असम में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क मानस, काजीरंगा नेशनल पार्क मानस और नामेरी आप जाके ये कहाँ है नामेरी, ये असम में स्थित है, असम में काजीरंगा मानस और नामेरी ये असम में स्थित याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन कौन सा स्थित है वो याद रखिएगा, तमिलनाडु में है अन्नामलाई, अन्नामलाई जितना भी अन्नामलाई मधुमलाई यह है आप जाके तमिलनाडु में, अन्नामलाई मधुमलाई सत्यमंगलम, सत्यमंगलम कालकड और मधुथुरई, कालकट मधुथुरई सत्यमंगलम अन्नामलाई मधुमलाई और कालकट मधुथुरई ये नाम से पता चलता है कि आप जाके तमिलनाडु में स्थित होगा, ठीक है। इसमें से जो है आपका इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अन्नामलाई और मधुमलाई, ठीक है अन्नामलाई और मधुमलाई अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है देखिए, दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है अमानगढ़ और पीलीभीत याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क अमानगढ़ और पीलीभीत ये आपका जाके कहाँ है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट स्टेट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका है सुंदरवन, सुंदरवन और बुक्सा, सुंदरवन और बुक्सा आप जाके पश्चिम बंगाल में ये टाइगर रिजर्व स्थित है। और नेक्स्ट स्टेट आपका जाके है अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का दो है याद रखिएगा नामदफा और पाकुई, नामदफा और पाकुई आप जाके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड, झारखंड में एक बात याद रखिएगा पलामू, पलामू जो है वो झारखंड में स्थित आपका टाइगर रिजर्व है वो पलामू। नेक्स्ट स्टेट है आपका जो उड़ीसा, उड़ीसा में दो है, दो को इसको याद रखिएगा, एक है सतकोसिया और एक सिमलीपाल, ये टाइगर रिजर्व जो है एक सतकोसिया और एक सिमलीपाल ये कहाँ स्थित है आपको जाके उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तेलंगाना में एकमात्र याद रखिएगा कवल, कवल तेलंगाना में एकमात्र है वो कौन सा है, वो कवल है याद रखिए, कवल कवल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया गया है, अच्छा से देख लीजिएगा उसको। जिम कार्बेट जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है याद रखिएगा, नैनीताल में स्थित है जिम कार्बेट। और नेक्स्ट स्टेट है आप जाके मिजोरम, मिजोरम का जो है आप जाके डंपा याद रखिएगा, डंपा ये डंपा जो है आप जाके मिजोरम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है केरल, केरल का एकमात्र एक याद रखिएगा पेरियार, कौन सा है वो पेरियार जो है आपका जाके केरल में स्थित है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो है आपका जाके केरल में स्थित है। बिहार का एक तो है एकमात्र आपको याद रखिएगा कौन सा है, बिहार का वो वाल्मीकि, कौन सा है वाल्मीकि जो है आपका जाके नेशनल पार्क वो आपका जगह बिहार में स्थित है, कौन सा वाल्मीकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यह सिंगल है इसलिए एग्जाम का ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एग्जाम में कौन सा ये बिहार का है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है बिहार में स्थित है।
एक है आंध्र प्रदेश, आपका याद रखिए आंध्र प्रदेश में जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम इस आपका जाके आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो आपका जाके दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था टाइगर रिजर्व भारत में जितने भी है, और प्लीज चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।